आप में से कितने लोग हैं कि जो इस तरीके के बाल पाना चाहते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप भी अपने बालों को सिर से लेकर जमीन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप आज का वीडियो पूरा देखिए, बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को ज़मीन तक पहुँचा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कितने लंबे बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो इस तरीके के आप बाल पा सकते हैं, बालों में शाइन ऐड कर सकते हैं, बालों में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो जो देखने को मिल रही है मेल फीमेल सब में, वो है हेयर फॉल की। हेयर फॉल से आदमी और औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गंजेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रेमेडी है इतनी इफ़ेक्टिव है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जेब पे बहुत भारी है, बिल्कुल बजट में है और आपको घर में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेमेडी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे, थोड़ी सी भी अच्छा लगे, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए आलू। मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं, क्योंकि मेरे घर पर छोटे छोटे आलू थे तो मैं छोटे ही आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर पर बड़े आलू हैं तो आप एक आलू ही लीजिए, ठीक है। तो छोटे थे इस वजह से मैं यहाँ पर 4 आलू ले रही हूँ। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आपको इस तरीके से छील लेना है, ठीक है। इनका छिक्कल भी बहुत ज़्यादा काम का है आपके बालों के लिए, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से बनाना है, फिर आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से छीलने के बाद जो है आपको करना क्या है, आपको ये करना है कद्दूकस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो मेरी तरह इस आलू को कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर आप मिक्सी जार में भी आप इसको पीस सकते हैं। आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप वो काम कर सकते हैं। आप या तो कद्दूकस कर लीजिए या फिर आप मिक्सी जार में पीस लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप जब मिक्सी जार में अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब ये कद्दूकस हो जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको ये इसका रस लेना है। तो रस आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। अगर कोई आपको कपड़ा नहीं मिल रहा है तो आप इसको मेरी तरह भी निकाल सकते हैं। मैं छन्नी लेती हूँ और छन्नी की मदद से जो है इस तरीके से प्रेस कर करके इसका रस निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको रस निकाल लेना है। आपको तकरीबन इतना रस आपको मिल जाएगा। इसका स्टार्च हमारे स्कैल्प के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप यकीन मानिए, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर ही मिलेगा। अगर आप बहुत सारी रेमेडी ट्राई कर चुके हैं फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं एलोवेरा जेल। अगर आपके यहाँ प्लांट लगा हुआ है तो आप फ्रेश वाला ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे पास तो प्लांट नहीं है लगा हुआ घर पर, तो मैं यहाँ पर मार्केट वाला ही यूज़ कर रही हूँ। तो आपको तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पर एलोवेरा जेल लेना है और इसको इसमें मिक्स कर देना है। आपको अच्छे से मतलब फेंटना है ताकि जो एलोवेरा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर आपको टाइम लगेगा, अब 1 से 2 मिनट आपको लगने वाले हैं। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो ऑयल ऐड करूँगी वो है कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो हेयर फॉल को आपको रोकेगा और साथ ही साथ आज समय बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों को काला करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ही इसमें ऐड किया है। तो इसको और अच्छे से चम्मच से मिला लीजिए और ये कुछ आपको क्रीमी टेक्सचर में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा और एलोवेरा डालेंगे तो पूरा क्रीमी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ये रेमेडी है बनकर तैयार हो गई है। और आप जब इसको लगाएंगे तो आपको ताज़ी ही ताज़ी बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लीजिए किस तरीके से लगाना है।
आप इसको अपने बालों को पहले अच्छे से कॉम कर लीजिए ताकि आपके बाल उलझे हुए ना रहें, और उसके बाद ही आपको अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर आलू और कलौंजी, यहाँ पर एलोवेरा लिया है, तो ये हमारे जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हमने जो सारी चीज़ें ली हैं वो हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए अच्छी ही हैं, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर जब हम एलोवेरा को आलू में मिक्स करके लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, जो बालों की समस्याओं को दूर कर देता है। साथ ही साथ इसमें फोटो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो कि बालों को यूवी किरणों से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ एलोवेरा में बहुत तरीके के पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन 12, सी, ई, फॉलिक एसिड, जो कि आपके बालों को बाल जो होते हैं बालों के रोम में पोषक देने में काम करते हैं, और इससे बाल आपके हेल्दी रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पूरे बालों में लगा लें और अच्छे से बन बना लें। और जब तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा, रेमेडी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।